नमस्कार दर्शक बिन, लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी दबाइए और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिए। आज मैं आपको इतना ज़रूरी बात कृषि में बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आपने जब ही बेमौसमी काबुली बंदा का पौधा लगाने का तैयारी करते हैं, उसका मैं शुरू से अंतिम तक आपको यहाँ पर मैं ज्ञान दूंगा। यहाँ पर हमने लॉट लॉट का, सीजन सीजन का, सेक्शन सेक्शन का बिरुआ उत्पादन कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर अभी हमने एक जात का बंदा यहाँ पर लगाया है। ये जात का बंदा यहाँ पर हमने लगाया है। ये लगाने के लिए हमने यहाँ पर कोई जगह में यहाँ पर हमने बिरुआ को जमा दिया है। उसको तैयार करने के लिए हमने आपको टेक्निकल भाषा में आपको आज मैं यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ हम पहले मिट्टी को ठीक करने के लिए, मिट्टी को अच्छा करने के लिए, मिट्टी को टेम्परेचर देने के लिए और वहाँ का जीव, वहाँ का जो भी जीवाणु है, जो भी वहाँ का वायरस है और वहाँ का बीज है, उसका सबको नष्ट करने के लिए हम ये प्लास्टिक से इसको यहाँ पर अच्छी तरह से ढकना चाहिए। आपने एक काला प्लास्टिक से ढकेगा भी होगा और आपने पारदर्शी प्लास्टिक से ढकेगा वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर, प्रकाश अंदर जाता है और रिटर्न नहीं आता है और टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण से वहाँ का पौधा और वायरस का सब नष्ट होगा और डोसी निवारण इस तरीके से होगा। ये एक पहला आइडिया है, आपने ये जानना चाहिए। और दूसरा आइडिया, यहाँ पर आपने पानी नहीं जमने के लिए आपने पानी का एग्जिस्ट करने का जगह चुनना चाहिए। आपका यहाँ जो आपने जहाँ पर पौधा लगाया है, जहाँ पर आपने काउली बंदा का पौधा लगाया है और आपने बीज झाड़ने के टाइम में ऐसे करके एक एक लाइन करके यहाँ पर बीज ऐसे करके झाड़ना है और इसको ऐसे करके अच्छी तरह से इसको ढकना है, मट्टी से, थोड़ा सा मट्टी से ढकना है। ये पहले चरण, दूसरे चरण है और तीसरे चरण में इसको थोड़ा सा प्लास्टिक और आपका जो कपड़ा है उससे ढक के वहाँ पर थोड़ा सा पराल में ऐसे करके ढकना है। ये कितनी समय तक ढकना है कि आपका बीज वहाँ पर उमरना, जो बीज उमरते हैं उस दिन तक आपने ढकना है। आपने ये 24 से 36 घंटा तक ऐसे करके ढकना है। आपने बहुत बड़ी ढाकना नहीं है, आपने यहाँ मिस्टेक क्या करना नहीं है। अभी प्लास्टिक से मात्र ढाकेंगे तो आपका बीज ख़त्म होगा तापक्रम बढ़ने से, और आपने ऊपर से कुछ पराल और कुछ ऐसा उसा आपने वहाँ पर शीतल करना चाहिए। और आप इसके अंदर आप यहाँ पर देख रहे हो पौधा, ये अभी इसको एक दो घंटा के बाद हम यहाँ पर इसको निकालेंगे। अब सब पौधा यहाँ पर उमरने वाला है, आप देख रहे हो। ये दूसरा वाला टेक्निक है। आपने पहला वाला टेक्निक बीज लगाना है और दूसरा टेक्निक में आप इस बीज को यहाँ पर उमार के और इसको निकाल देना है। थोड़ा सा लंबी होगा, आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। आपने लंबी होने के बाद में इसको यहाँ से निकालना चाहिए। हमने यहाँ पर काउली बंदा, गोभी बंदा और ब्रोकाउली का बीज लगा रहे हैं। और तीसरा स्टेप में आप यहाँ देख रहे हो, तीसरा स्टेप में है बीज को ये सब निकालना है और ऐसे करके हम सब कुछ यहाँ से जो प्लास्टिक है और ऊपर का पराल है वो सब हम निकालते हैं और ऊपर से ऐसा बांस का और ऐसा राउंड करके हम यहाँ पर फ्रेम बनाते हैं और उस फ्रेम में यहाँ पर आकाश का जो पानी होता है सीधा वो हम पड़ने नहीं देने के लिए प्लास्टिक उड़ाते हैं और धूप के लिए हम इसको कोरा ऐसा चीज़ यहाँ पर उड़ा के इसको छाया करते हैं और इससे इसका शीतल मिलता है और बिरुआ यहाँ से नहीं मरता है। और अभी इस मिट्टी को बहुत ज़रूरी बात यह है, इस मिट्टी को पकाना चाहिए, तापक्रम देना चाहिए, इस मिट्टी को इलाज करना चाहिए। आप इस मिट्टी को अच्छी तरह से इलाज नहीं करेंगे तो आपका पौधा अच्छा नहीं होगा। इसको तापक्रम देना चाहिए, प्लास्टिक से ढक के और कोई भी औषधि इसमें डाल के देना चाहिए। हमने यहाँ जल्दी करने के लिए इसको मिट्टी का तैयारी नहीं करके यहाँ पर हमने पौधा लगाया था, इसमें हम इस डैंग में असफल हो गए। आप यहाँ पर देख रहे हो, इस डैंग में हम असफल
हो रहे हैं क्योंकि हम इसमें मट्टी को अच्छी तरह से तैयार नहीं किया था। अभी देखिए, अभी हमका दूसरा डैंग है इधर। इस डैंग में हमको हमने मट्टी को अच्छी तरह से इसको यहाँ पर तैयार किया था और इसमें बीज लगाया था और इसमें हमारा बीज सफल हो गया। और आपने ये चौथा स्टेप में क्या करना है, इसमें थोड़ा सा झाड़ी वाड़ी पत पतंगर ऐसा आता है इसको उखेल के फाल देना है और काउली का ही मात्रा यहाँ पर रहना चाहिए। आपने जब भी बेमौसमी काउली का बीज जमाते हैं, पौधा जमाते हैं, उस टाइम में आपने बाकला नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा पतला बनाना है। पतला बनाने से क्या होगा, आपका डंडा और आपका पौधा बड़ा होगा और आपका पौधा स्वच्छ होगा और बड़ा होने के बाद ही आपने लाके रोपना चाहिए। आपने छोटा सा पौधा रोपेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। बेमौसम में क्या होता है, वर्षा बहुत होते हैं, वर्षा के कारण से आपका पौधा कांड जरा सड़ता है, इसलिए अपने पौधा को थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए। और बड़ा कैसे बनाना चाहिए, इसके अंदर थोड़ा सा मल आपको देना चाहिए पहले से। मल अच्छी तरह से आपने पौधा में देंगे तो अच्छा होगा। और सबसे बेहतरीन अच्छा तरीका है क्रेट में किटमस का प्रयोग करके जमाना। जो कृषक किटमस के प्रयोग करके क्रेट में जमाता है, किटमस में क्या होता है, इसका पहले नहीं, इसको शुद्धिकरण करके, इसको अच्छा बना के, इसमें न्यूट्रिशन दे के, ये बिरुआ के जितना चाहिए उतना दे के यहाँ पर ये तैयार करता है। और क्रेट में हम लगाएंगे तो वो हम रोपने के टाइम में उसको मट्टी से ही आएगा, उसका किटमस के जो है उसका जड़ा और वो मट्टी सब लपेट के आएगा और वो हम सारने के बाद में वो अच्छे तरह से सड़ता है। ये बहुत अच्छा तरीका है। एक एक बोर्ड को, एक एक बिरुआ को, एक एक पौधे को हम जाके अपने ब्याड में, खेत में जाके अच्छी तरह से लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पर करेला हो और एक करेला इसी हमें करेला पर यहाँ लगाया करेला हमें खास इसी लगता खेल करेला राम करेला ये चीज डाइरेक्ट भी लगे लगा सकूँ तब बिरुवा सुरक्षित बचाने को लगी घर में हिजा करने सजिले को लगी इसी क्रेट में जमा इस लगे बारी में ठिक्क पारे मल्चिंग अथवा जगह रेडी भर ठाकुर गए डोब्न जब हामीले बिरुवालाई रेडी बनाउँछौँ तब बिरुवा यसरी उत्पादन हुन्छन्। तर यी बिरुवा अलिक छिटिएका छन्, तर यी बिरुवा लगेर सार्नु त्यहीँ पनि मर्दैनन्। यसमा भएको मल र न्युट्रिसन सिद्धिएको हुँदा यी बिरुवा हल्का पहेँला पहेँला जस्तै देखिएका हुन्। तर अब जब हामीले यो बिरुवालाई यसरी उक्काउँछौँ भने अब यो बिरुवामा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म क्यामेराको जुम मिलाउँछु, यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी जरा आउँछ र यो जरा चाहिँ चक्क अब यसमा हाम्रो डाइरेक्ट हामीले माटोमा रोपे जस्तो यो हुँदैन, यो चाहिँ एकदम जरासँगै आइरहेको हुन्छ र यसलाई हामीले लगेर टक्क रोपेर थोरै पानी हालिएपछि यो बिरुवा हाम्रोसँग सर्छ। यसरी यो बिरुवा चाहिँ अब अहिले र यसको मलहरू सिद्धिएको हुँदा र यो जराहरू यसको चाहिँ तल जान पाउँदैन, यहीँ हुन्छ र यति मलले नै यो बाँचिराख्नुपर्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा यो हल्का यस्तो देखिएको यसलाई हामीले एकदम मैलो जग्गामा लगेर लगाएपछि यो बिरुवा पनि एकदम राम्रो हुन्छ। फाइनलमा यसरी क्रेटमा जमाएको बिरुवा लगाउनु फेरि सजिलो हुन्छ, तर लगानी धेरै पर्छ। यसरी हामीले यता बिरुवाहरू केही रेडी बनाएका छौँ र केही हामीले लगाएका छौँ। यो बिरुवाहरू अहिले हामीले मल्चिङ नगरिकन टकटक लगाइसकेका छौँ र यी बिरुवाहरू त्यो केही क्रेटका बिरुवाहरू हुन्। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ केही चाहिँ बिरुवा ठुलो भइसकेको छ, त्यसरी बिरुवा फेरि वरिपरि हामीले लगाएका पनि छौँ। र यो बिरुवा चाहिँ चिचिन्नाको बिरुवा हो र यी बिरुवाहरूलाई पनि हामीले यसरी क्रेटमा लगायो भने सबैभन्दा राम्रो, रोप्न सजिलो, छिटो छरितो, नमर्ने, ढुक्क हुन्छ। यसरी अब यी बिरुवाहरू लहरेखेतीका बिरुवाहरू हामीले उही माटो राम्रो बनाएर डाइरेक्ट पनि लगाइरहेको छौँ, तपाईँहरूले जसरी चाहिँ ठिक हुन्छ त्यो तरिकाले लगाउनु पर्ने हुन्छ। र आजको विषय चाहिँ समग्रमा के भने, आजको विषय हाम्रो समग्रमा हामीले बेमौसमी टाउलीबन्दका बिरुवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि माटो पकाउनु पर्छ, आगो लगाएर जलाउनु पर्छ, त्यसपछि बिरुवालाई एक एक खसाल्नु पर्छ, यो तरिकाले प्लास्टिक लिएर पराले छोपेर यसलाई चाहिँ उमार्नु पर्छ, उम्रिने साथ निकाल्नु पर्छ, निकालिसकेपछि यसलाई पानी पर्न दिनु हुँदैन, आकाशको पानी आफैले चाहिँ ठिक्क चालिएको निकै पानी हाल्नुपर्छ, कुराले छोप्नुपर्छ, त्यसपछि बिरुवालाई फेरि गोडमेल गरेर फेर्दालाई हेरचाह गर्दै रेडी बनाउनुपर्छ। अनि जग्गा उता रेडी बनाइसकेपछि फेरि हामीले बिरुवा लगाएर लगाउनुपर्छ। र
सफल हुन्छ। यसरी हामीले बेमौसमी काउली भन्दा ब्रोकाउली अरु विभिन्न किसिमका बिरुवाहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। आजको जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो च्यानलमा हामीले बिल्कुलै एकदमै कृषकलाई फाइदा हुने कृषकको लागि बनाएको च्यानल हो। जति पनि नयाँ कृषक हुनुहुन्छ, कोही कोही ठाउँमा गएर सिकाउँदाखेरि पनि सोद्धाखेरि पनि सिकाइदिँदैन, अब केही कुरा भन्दाखेरि पनि भनिदिँदैन, त्यस्तो समस्या पर्छ। र कसैले युट्युबमा गएर सिकाउन त जानु भनेर हान्दाखेरि यो भिडियो ठ्याक्क आएर हेरेर अनि तपाईँहरूले पनि यसरी पर्फेक्ट रूपमा भयो भने त्यो हामीलाई खुसी लाग्छ। हामी चाहिँ आफ्नै देशमा व्यावसायिक बन्न सक्छौँ र हामी आफ्नै देशमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ युट्युबद्वारा तपाईँहरूलाई यहाँ केही ज्ञान गुणका कुराहरू सिकाउन यसरी गइरहेको हो। र तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो लाग्छ कि चाहिँ भिडियोहरू कृषि सम्बन्धीको कुरा राम्रो लाग्छ भने तपाईँले सब्सक्राइब गरेर बेल घन्टी दबाउनु भयो भने फेरि तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो मैले तुरन्त बनाएर हालेको त्यहाँ आउँछ। लाइक पनि गर्नुहोला। तपाईँहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, केही न केही ज्ञानहरू लिनुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल, जय कृषि। बहुत बहुत